YouTube चैनल EME Technologies। आज हम लोग बात करेंगे SEO की, व्हाट इज SEO, SEO हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ब्लैक हेड SEO क्या होता है, व्हाइट हेड SEO क्या होता है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, SEO क्या होता है। SEO एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, जिसको हम लोग गूगल के सर्च इंजन पे या याहू या फिर बिंग, कोई भी एक सर्च इंजन पे जिसपे हम लोग काम करेंगे, या फिर अपनी वेबसाइट पे, एग्जांपल के लिए आपको एक वेबसाइट है ABCXYZ, कोई भी आपकी एक वेबसाइट है जिसको आप एक रेलिवेंट कीवर्ड पे गूगल के फर्स्ट पेज फर्स्ट रैंक करवाना चाहते हो, तो डिपेंड करता है आप उस पर किस तरह से काम कर रहे हो, गूगल किस कंटेंट को सर्च करता है। मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। गूगल देखो, जो कंटेंट सर्च करेगा, गूगल कहता है कि मुझे हमेशा एक यूनिक कंटेंट चाहिए जिसके जरिए आप अपनी वेबसाइट को फर्स्ट पेज फर्स्ट रैंक करवा सकते हो। इसके साथ साथ आपको कुछ मेटा टैग्स, मेटा कंटेंट्स लगाने पड़ेंगे जो कि आपकी वेबसाइट को टॉप पे लाने में हेल्प करेंगे। सेकेंडली, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा गूगल के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग। अगर आप गूगल के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हो तो आप अपनी वेबसाइट को फर्स्ट पेज फर्स्ट रैंक नहीं करवा सकते। लोग कुछ एड्स चलाते हैं, कैंपेन्स रन करते हैं फर्स्ट पेज फर्स्ट रैंक पे आने के लिए, लेकिन कैंपेन्स भी कुछ ऐसी भी एड्स होती है, आप देखो अगर उन्होंने जो एड लगा रखी होती है वो भी फर्स्ट पेज फर्स्ट रैंक पे नहीं आती, कई बार सेकंड पेज पे आती है या फर्स्ट पेज बिल्कुल लास्ट में आती है, 9th या 10th रैंक होता है। तो डिपेंड करता है आप किस तरह से कीवर्ड यूज़ कर रहे हो, क्या कीवर्ड स्टफिंग आप कैसे कर रहे हो, अपनी वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो, SEO कैसे ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो। अब हमारे पास डिपेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाइट हैट SEO की। अब व्हाइट हैट SEO क्या होता है, एक रेलिवेंट कंटेंट करना जिसकी इंपॉर्टेंस हो। गूगल क्या सर्च करता है कि आपके पास कितना एक रेलिवेंट कंटेंट है, सामने वाला पर्सन या आपका जो कस्टमर है या क्लाइंट आप बोल सकते हो, वो क्या चीज़ें सर्च करता है, किस तरह का आपको रेलिवेंट कंटेंट, जो आपका रेलिवेंट कंटेंट वेबसाइट पे होना चाहिए उसी के रिलेटेड आपने अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है, मेटा कंटेंट्स डालने हैं, मेटा टाइटल टैग्स हैं, आपके जो URLs हैं वो कीवर्ड्स के ऊपर होने चाहिए। डिपेंड करेगा आप अपनी वेबसाइट को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करते हो SEO के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्लैक हैट SEO। ब्लैक हैट SEO क्या होता है कि वो गूगल को पिक करता है या फिर उसके सर्च इंजन को बार बार फोर्स करता है कि मेरे पास ये कंटेंट है, इसको बार बार फर्स्ट पेज फर्स्ट रैंक दिखाओ। वो कुछ इस तरह के कीवर्ड यूज़ करना स्टार्ट कर देगा जो उसके बिजनेस के रिलेटेड ना हो। एग्जाम्पल के लिए, आपका एक एजुकेशनल बिजनेस है और आप जो कीवर्ड डाल रहे हो एजुकेशन के साथ साथ आप ई कॉमर्स की साइट्स हैं, शॉपिंग साइट्स हैं, उनके भी आप कंटेंट यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हो, उसके रिलेटेड आप कीवर्ड यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं ब्लैक हैट SEO, यानी कि अदर कीवर्ड्स भी यूज़ करना जो आपके बिजनेस के रिलेटेड नहीं है। सेम अगर आप YouTube पे बात करो तो आपको YouTube पे भी इसी तरह से मिलता है। अगर आप YouTube पे जब अपनी कोई एक वीडियो बना रहे हो या अपलोड कर रहे हो YouTube पे, तो हमारे पास बड़ी सारी कुछ ऑप्शंस होती हैं जिनको हम टैग करते हैं। तो टैग में हमारे पास पूछा जाता है कि आप ये वीडियो जो है वो किस किस सर्चिंग पे आए। जैसे एग्जांपल के लिए, ये वीडियो है मैं आपको शूट करके दे रहा हूँ, इस वीडियो में ये जो वीडियो है वो SEO के रिलेटेड है, तो इसमें व्हाट इज़ SEO, ब्लैक हैट SEO, व्हाइट हैट SEO, इस तरह से हम इसको टैग करते हैं हम लोग वीडियोस को। अगर मैं इसको कुछ अदर कीवर्ड्स के ऊपर टैग करना स्टार्ट कर दूँ, फनी वीडियो, अदर वीडियोस, तो जो कीवर्ड्स होंगे यानी कि सामने वाला पर्सन जो भी इस वीडियो को सर्च कर रहा होगा, तो उसके या तो सजेशंस में चले जाएंगी ट्रैफिक जनरेट करने के लिए, और अदर साइट्स आप कह सकते हो कोई अदर ट्रैफिक जनरेट करने के लिए, एक टारगेट ऑडियंस अगर आप बोलो तो, टारगेट ऑडियंस नहीं यानी कि कोई भी ऑडियंस आपके पास एक आपके वीडियो पे या फिर आपकी वेबसाइट पे आ रही है। डिपेंड करता है आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, आप किस टारगेट ऑडियंस को फोकस कर रहे हो, जिस टारगेट ऑडियंस को आप दिखाना चाहते हो, क्या वो कीवर्ड किस रेलिवेंट के ऊपर है, एजुकेशन के रिलेटेड है या कुछ ई कॉमर्स शॉपिंग साइट्स ले सकते हैं, किसी प्रोमोशनल इवेंट आप लॉन्च करते हो तो इवेंट के रिलेटेड आप किस तरह के कीवर्ड यूज़ कर रहे हो, आपके इवेंट के कीवर्ड क्या हैं, वो सारे डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO। ऑन पेज और ऑफ पेज SEO मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ऑन पेज SEO हम लोग कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, HTML और अपनी वेबसाइट को कैसे स्पीड इंक्रीज करते हैं, डेवलपर्स टूल्स यूज़ करते हैं, गूगल के कुछ बड़े सारे टूल्स हैं जिनके द्वारा हम लोग अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं फर्स्ट पेज फर्स्ट रैंक पे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एडवांस SEO टेक्निक्स क्या होती हैं। आज की वीडियो हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। प्लीज़ अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक या शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू।